अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इरशाद हसन। वेलकम टू कार शो। आज की इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी यूनिक सी प्रोजेक्ट कार जो कि टीम JDM बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं साथ, जो कि जो है उस गाड़ी के जो है वो मास्टर हैं। इनसे चल के बात करते हैं कि जो है वो इनके साथ क्या लाइफ में हर्डल आई, क्या इनके साथ परेशानियाँ हुई, इन्होंने किस तरह जो है वो गाड़ी तैयार की। सर, गाड़ी के बारे में बताइएगा कि जो है गाड़ी का आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ, आपने इसके ऊपर क्या जो है वो स्पेंड किया, क्या आपने सोच के खरीदी, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मुझे रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियों का बहुत शौक था, क्योंकि रेयर व्हील गाड़ी ही ओनली चीज़ है जो ड्रिफ्ट कर सकती है मेरे हिसाब से। बाकी अब आपको पता है हैंड ब्रेक और वो सब चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव की मार्केट में था कि आपको कोई इन लो बजट आपको कोई गाड़ी ओल्ड स्कूल मिल जाए, कोई रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी हो जाए जो मैं इसको कॉलेज भी लेके जाऊं और मैं इसको डेली यूज़ भी करूं और मेरे लिए एक अच्छी स्लाइडिंग के लिए एक चीज़ मिल जाएगी मुझे। तो मेरे इस शौक में मुझे एक गाड़ी के 70 मिल रही थी और एक ऑप्शन था के मार्क टू का कोई पुराना मॉडल मुझे मिल जाता, ठीक है। तो उससे बेहतर फिर मुझे ये एक ऑप्शन मिला जो कि एक ही ऐड था पूरे पाकिस्तान में, इसकी जैसी और की गाड़ी मुझे ना नज़र आई ना कभी आज तक आई है। तो ये 1983 टोयोटा करोना है, काफ़ी ही रेयर गाड़ी है। ओरिजिनली ये डीजल के साथ आई है, ठीक है, पर ये स्वॉप हुई हुई है 3SFE के साथ, 2000 सीसी इंजन आता ही है। और ये है कि बाकी इसके अंदर कोई खास ट्यूनिंग नहीं हुई हुई, पर मैंने इसमें रेडियम के प्लग डाले हैं, इसका डिफरेंशियल लॉक कराया है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, पर क्योंकि वेट इसका इतना नहीं है, गाड़ी देखने में आपको बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, ऐसे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट शेवरले कैप्रिस की तरह इसकी लुक आती है। इवन तो इतनी लेंथ ही नहीं है, पर क्या 70 से बहुत लंबी है और क्रेसिडा से थोड़ी छोटी है, तो ये उनके बीच के सेगमेंट की गाड़ी आ जाती है, ठीक है। तो सर, इसमें ओरिजिनल इंजन कौन सा आया? इसमें आया था डीजल जो आपका आता है 2000 सीसी, वो आया था, तो वो पिछले ओनर ने स्वाप कर दिया था क्योंकि डीजल आपको पता है इतना रिलायबल नहीं चलता, तो उसके बाद ही उन्होंने पूरी रिस्टोर की थी और उसके बाद मैंने ये परचेस किया। तो आपने जो है लेके इसके बाद इसको ट्यून अप वगैरह भी कराया आपने? जी, मैंने इसको ट्यून अप जो कराया वो ये है कि सबसे पहले इसकी हॉर्स पावर जो लॉस हुई हुई थी वो थी रेडिएटर के थ्रू, क्योंकि रेडिएटर था डायरेक्टली थ्रू क्लच लगा हुआ था, उसमें बेल्ट के थ्रू लगा हुआ था, तो सारी इंजन की पावर वो खा रहा था। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक रेडिएटर लगाया इसमें ट्विन फैंस के साथ। सर, इसके जो डबल फैन लगाने का क्या मकसद है? इससे बात यह है कि 2000 सीसी इंजन है, मुझे नहीं पसंद कि गाड़ी ओवर हीट हो जाए, और मैंने इसको इतना यूज़ नहीं अब करना होता, तो मुझे इशू नहीं है कि खड़ी होकर थोड़ी देर गर्म हो जाए, ठीक है। और बाकी आपका अगर थर्मोस्टेट वो लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी का वाटर पम्प तभी वर्क करेगा जब गाड़ी वार्म अप हो जाएगी, तो मुझे ईजी है कि दो फैंस डायरेक्ट किए हैं मैंने, तो उनमें कोई इशू नहीं आता। आप इसमें कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप जो है वो नॉर्मल वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इसमें कूलेंट इस्तेमाल करता हूं, पर अब क्योंकि काफी दिन से खड़ी हुई, अब इसको दोबारा ड्रेन करने वाला, ठीक है। तो साथ इसको आप डेली रूटीन में चलाते भी हैं या जो है वो खड़ी रहती है? देखिए, जब मैंने परचेज की थी तब मैं इसको डेली कॉलेज लेके जाता होता था, और मैं डेली यूज में इसको ओरिजिनल हाइट पे रखी हुई थी, काफी ऊंची थी गाड़ी और रिम वगैरह ये लगे हुए थे, पर तब ये ना डिफरेंशियल लॉक था और ना मैंने इसके साथ कोई एयर इनटेक और एग्जॉस्ट और ये सब काम नहीं किए हुए थे, तो डेली यूज वाली गाड़ी रखी हुई थी। पर अब क्योंकि बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करते करते मेरे लिए डेली यूज में बहुत टफ हो जाता है, तो उसके लिए अब मैंने इसको थोड़ा सा वीकेंड यूज या शोज ओनली के लिए किया हुआ, ठीक है। साथ क्या कहते हैं, आपके हर कोई कार गए जो भी है उसमें कोई ना कोई उसकी लाइफ में ऐसा हर्डल आता है उसकी गाड़ी के साथ, तो आपके लाइफ में आपके साथ कोई हर्डल ऐसा कोई एक स्टोरी जो? देखिए, मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ था कि ईद का तीसरा दिन था और रोड पे आपको पता है रात के टाइम ईद के दिनों में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, बहुत रश होता है, और उन दिनों क्या था कि GT रोड पूरी कंस्ट्रक्ट हो रही थी। अब मुझे रात के टाइम इसकी हेडलाइट्स मैंने एक तो एक कवर की हुई है क्योंकि ये मैंने शॉप एक लुक बनाई हुई है, एक साइड डार्क साइड करके एक साइड उसकी नॉर्मल, तो रात को लाइट में नज़र नहीं आ रहा था, फुल गाड़ी जंप पे बम्प पे लगी और उसके बाद गाड़ी ऑफ हो गई, तो अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर गाड़ी ना स्टार्ट हो ना चले, ना उसको ऑटोमेटिक गाड़ी को आप धक्का दे सकते हैं ना, उसके लिए बहुत मसला है, तो फिर रोड पे खड़ी हो गई और ना मैं कहीं चला सका था तीसरे दिन, ना कोई हमें इसका वो क्या कहते हैं जो गाड़ी लेके जाते हैं लोडर, ना वो कोई लोडर मिल रहा था मुझे, तो इसलिए फिर मैंने वहीं पे गाड़ी उसको छोड़ के आया। फिर हमने ये गाड़ी पूरी टो की थी जिसकी वजह से ये सारी किट मैंने तोड़ दी थी, सारा बम्पर टूट गया था क्योंकि इसका नीचे टो हुक है, तो वो जगह नहीं इसकी बनती थी नेचुरली, मैंने किट ज़ाहिर है उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए तो नहीं बनाई थी, तो वो काफी एक मेरे लिए बड़ा हर्डल था। उसके बाद मेरा इस गाड़ी से दिल उठ गया था, आप जैसे कह सकते हैं दिल भर जाना, हर्डल तंग आ गए थे जी, तो उसके बाद मुझे था कि नहीं ये सेल कर देते हैं और कुछ नॉर्मल डेली यूज। तो फिर आपने सेल क्यों नहीं की, क्या आपके ज़हन में ऐसी चीज़ आई? देखिए, फिर आखिर एक ही शौक होता है, जो प्योर कार गया है उसको सुकून वही मिलता है जब गाड़ी के एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनता है या वो जब रेस देता है, तो जब मैंने स्टार्ट की कुछ दिनों बाद उसको ठीक किया, बेल्ट लगाई, वापस खींच के ले आए,
तो फिर आपको पता है वही शौक है, वहीं पे आके बंदा वापस हट। फिर आपने कहा कि यार जो है वो ट्राई अगेन एंड अगेन जी है, इसका अब शायद मुझे मौका मिल गया कि आई कैन पुश पास्ट द लिमिट्स के जो गाड़ी की थी, तो उसके बाद फिर मैं उस पर दोबारा काम शुरू कर दिया। ठीक है, साथ क्या आप जो है वो सीईओ ऑफ जेडीएम बेनेट्स भी हैं, तो आपको टीम बनाने का ख्याल कहाँ से आया, आपने क्या सोच के जो है? देखिए मैंने जब गाड़ी ली थी तो उसके बाद मेरा भी एक किस्म का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। okay. तो मेरे कज़न हैं, उनका मेरे ताया के बेटे हैं, उन्होंने भी जब गाड़ी ली उनका भी फर्स्ट प्रोजेक्ट बन गया एक किस्म का, क्योंकि उन्होंने निसान सनी ओल्ड मॉडल ले लिए 88। okay. तो उन्होंने वो रिस्टोर की, मेरी भी गाड़ी रिस्टोर थी, और वो हमने इकट्ठे जब बिल्ड करना शुरू किया, हमने कहा क्यों ना हमारी गाड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी फेमस होने लगी एज अ डुओ, इवन दो मैचिंग नहीं है, तो हमने कहा कि हम इसको एज अ टीम लेके रिप्रेजेंट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके साथ मुलाकात हुई, फिर और गाड़ियाँ ओल्ड क्लासिक कार्स जो रिस्टोर हुई, आपने कहा कि समथिंग यूनिक होना चाहिए जो कि सबसे अलग हो। जी, क्योंकि तब क्लासिक गाड़ियों का बिल्कुल दौर नहीं था, रेयर व्हील गाड़ियाँ हों या ओल्ड मॉडल्स हों, लोग इसको नहीं जानते पहचानते थे, लोग कहते थे ये खत्म हो चुकी है कार मार्केट, करोला और सिविक के अलावा तीसरी गाड़ी का नाम नहीं था, नहीं था। तो हमने फिर उसको क्लासी तौर पे उसको रीस्टोर करके गाड़ियां लाने की शुरू की। सही सही सही। साथ इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर में आपने कुछ मॉडिफिकेशन भी की हुई है इसमें? जी, इंटीरियर में कुछ मॉडिफिकेशन कह लें या कस्टम वर्क कह लें, उसमें ये है कि सीट्स पूरी जो हैं वो लेदर वाइट कलर की स्टिच करवाई थी मैंने, क्योंकि मुझे शुरू से शौक था कि ये गाड़ी थोड़ी सी क्लासी, एक आप जैसे कहते हैं ना वो हिप हॉप स्टाइल, थोड़ी सी एक लुक है इसकी जैसे मसल कार्स होती हैं उनके बीच में आती है, तो मुझे ये वाइट इंटीरियर का बहुत शौक था। अभी मैंने सीट्स वाइट कराई हैं, इंटीरियर वाइट रैप किया, फिर मैंने बहुत अपने शौक से वाइट स्टेयरिंग मंगाया। ओके, चाइना से आपने इंपोर्ट किया? जी, इंपोर्ट किया, और इस तरह की मैं काफ़ी स्टेयरिंग इंपोर्ट इसी तरह करता रहता हूँ, तो शौकिया तौर पर ये कुछ रेयर स्टेयरिंग व्हील्स हैं। फिर मैंने इस पर एक क्विक स्टेयरिंग रिलीज किट लगाई, जिससे ये स्टेयरिंग पूरी तरीके से रिलीज हो जाता है और जब आप चाहें इसको वापस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं। बाकी इसका गियर है ये ऑटोमेटिक के लिए चेंज हुआ है, ज़ाहिर है मैनुअल से। ठीक है, और इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगी हुई है। फिर उसके बाद मैंने इसमें बीआर का लिमिटर लगाया हुआ, जिससे वो पटाखा सीन सारा हो जाता है, तो उसके लिए वो ईसीयू की पूरी जो ग्लव बॉक्स है वो रिमूव किया हुआ है फिल वक्त। बाकी इसका जो गेज है वो ओरिजिनल यही आता है, इसकी क्लॉक के साथ आता है, इसमें आरपीएम मीटर नहीं आता है, तो वही सब स्टॉक चल रहा है। और ज्यादा मैंने इसको इंटीरियर वाइज क्योंकि रिस्टोर हुई थी उसको ज्यादा छेड़ना पसंद नहीं किया, और लाइट्स लगाई हैं। और ये जो है वैसे मैनुअल गियर के साथ आता है, तो आपने ऑटो गियर जो है? जी, वैसे 3S जो है इसका ECU वो मैनुअल का ही लगा हुआ है, पर गाड़ी का क्योंकि ऑटो मैनुअल के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, तो ये ऑटो पे भी अच्छी चल रही है। साथ हमने इसके इंजन ब्रेक की भी बात कर ली, आपने टायर रिम के बारे में बता दिया, ओवरऑल सारे इसके परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया। बैक के ऊपर अगर हम आए इसके, तो आपने जो है वो बैक में कोई मॉडिफिकेशन इसमें की है? जी, ज्यादा इसकी बैक पे मैंने, क्योंकि क्लासिक कार है, फिर आपको ही बात करूंगा कि इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस करें, जितनी फ्रंट प्यारा होना चाहिए उतना बैक भी प्यारा होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इस पे इतना जोर नहीं दिया। okay. सिर्फ ये मेरे लिए सारा कुछ ही अपना एग्जॉस्ट पाइप है, ठीक है, और ये मैंने बहुत चॉइस से अपनी रखा था, और इसमें फिर जब वो फ्लेम्स डबल पाइप से थ्रो करती है, क्योंकि सिंगल टिप भी आता है, डबल टिप भी आता है, आपने डबल टिप लगाया? देखिए, गाड़ी जितनी एक वाइड है और जितनी उसकी एक्सटेंस है, और जितनी ओल्ड स्कूल गाड़ियां आप देखेंगे वो ज्यादातर ट्विन पाइप आते थे, बाइसाइकल्स देख लें आप, ये गाड़ियां देख लें, सब में ट्विन पाइप तब ट्रेंड था। अब तो गाड़ियों में चेंज हो गया, बिल्कुल सिंगल पाइप छोटे आते हैं, तो उसी को एग्जैजरेट करने के लिए मैंने, और स्पेशली जब फ्लेम्स ट्विन पाइप से आते हैं वो एक डबल लुक देते हैं। और उसके अलावा मैंने टेल लाइट्स में बस LED इंस्टॉल की हैं, नंबर प्लेट डिफरेंट है, और बाकी ओरिजिनल लुक में कुछ स्पेशल लाइट्स आप मैंने देख रहा हूँ कि इसकी जो जेन्युइन लाइट्स आती थी वो बिल्कुल सादी सी आती थी, अब आपने इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई मॉडिफिकेशन से की है वो आपने? जी, ये मैं सारा कुछ जो भी काम किया इन गैराज किया, और ये भी मुझे शौक हुआ किसी दिन के इसमें LEDs इंस्टॉल करूँ बैक की लुक को थोड़ा इनहेंस करने के लिए, तो वो मैंने फिर ओरिजिनल सब कुछ रिमूव करके LEDs, ब्रेक लाइट्स और LED पार्किंग लाइट्स कर दी। सर, जब गाड़ी आपके पास आई थी तो गाड़ी आपको किस हालत में थी, आपने जो है उसको किस हालत में, आपने इसके ऊपर खुद लगाया, बाहर से काम कराया, आपने क्या किया उसके? देखिए, जब गाड़ी जिस हालत में मैंने ली थी ये था कम्प्लीटली रिस्टोर्ड थी, पर इट वाज कम्प्लीटली स्टॉक। ठीक है, तो जो खोता स्टाइल जी खोता लाइफ स्टाइल में थी। okay, okay. और कार शोज पे जैसे जाने के लिए आपको एक एस्थेटिकली लुक चाहिए, आपको कुछ प्लीजिंग लोगों के लिए, क्राउड के लिए चाहिए, उसके लिए जैसे मैंने आपका बीआर किट इंस्टॉल की, एक्सेसरीज छोटी छोटी एक इंस्टॉल की, गाड़ी के इंटीरियर को लेदर का वाइट रैप कराया है, आउटसाइड इसको पूरा पॉलिश कराया है, वॉशिंग वगैरह आपने सारा कुछ की खुद किया? जी, वो नहीं, वो तो मैंने फिर ज़ाहिर सीट्स की करवाई है, वो उसके अलावा बाकी सारा काम, ग्राउंड छत वगैरह सारा जो भी आप जी वो सब खुद ही कर रहे होते हैं, वो खुद ही किया है, साउंड प्रूफिंग किया है जी, इसी तरह वो स्पीकर्स की वायरिंग हो गई आपकी,
हेडलाइट्स की वायरिंग होगी, टेल लाइट्स की वायरिंग होगी, वो सब कुछ नाजुक सूरत हाल में होगी थी, तो वो सब फिर आहिस्ता खुद ही रिस्टोर। सर, स्ट्रेट पाइपिंग करने से जो है वो आपकी एवरेज वगैरह पे फर्क तो पड़ा होगा? देखिए, जरूर पड़ता है। उसके बाद ये है कि कुछ इंजन पे भी फर्क पड़ता है, कुछ गाड़ी का ऑयल भी यूज होने लग जाता है, तो वो सब फिर जाहिर है शौकिया तौर पर अगर आप रखें। वैसे मैंने इसका एक ओरिजिनल मफलर भी रखा हुआ है जो साइलेंसर जिसको कहते हैं, जिससे साउंड नहीं आता, फिर वो डेली यूज में ईजी रहता है। सो गाइज, ये थे हमारे साथ साथ इस गाड़ी के ऑनर। बड़ी डिटेल हमने इस गाड़ी के ऊपर रिव्यू की है। आप नेक्स्ट कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? साथ बहुत शुक्रिया आपका, आपकी गाड़ी हमें बहुत पसंद आई, ठीक है। और जो है वो इसी तरह जो है वो आप गाड़ी जो है वो तैयार करते रहें, अपनी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उसको आप जो है वो रिप्रेजेंट करते रहें, ठीक है। इंशाल्लाह जो है वो कि आपसे फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रोजेक्ट की गाड़ी के साथ, ठीक है। सो गाइस, अगर आप भी हमारी कोई नई एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं या आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा लाजमी। अल्लाह हाफिज़।